बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक देसी हेल्थ चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, आमीन। नाजरीन, एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो है खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। नाज़रीन, जिन दोस्तों को खून की कमी है और वो चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द खून की कमी को पूरा किया जाए, तो यह नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें और इस नुस्खे का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो नाज़रीन, पहले इंजीर और अंगूर और इसके सिरके के फ़वाइद पर बात कर लेते हैं। इंजीर हल्क और सीने के बोझ और फेफड़ों की सूजन में मुफीद है, और जिनको सीने में बलगम हो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इंजीर बलगम को पतला करके हल्क और सीने से ख़ारिज करती है। इसलिए इंजीर आम जिस्मानी कमज़ोरी और बुखार के लिए भी बहुत मुफीद समझी जाती है। इसमें विटामिन डी वाफिर मकदार में पाया जाता है। नाजरीन, अंगूर का सिरका आम तौर पर हर घर में इस्तेमाल होता है। सिरका सेब और सिरका अंगूर दोनों सिरके बहुत ही मकबूल हैं, और माहरीन का कहना है सुर्ख और सब्ज़ रंग का अंगूर हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर के लिए मुफीद है। अंगूर हर किस्म की एसाबी कमज़ोरी को दूर करता है और इसके बहुत अच्छे फ़वाइद हैं। नाज़रीन, चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। सिरका अंगूर और इंजीर को खून की कमी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पाक देसी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। जज़ाकअल्लाह। नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले आप एक मिट्टी का प्याला लें, इसमें 4 बड़े चम्मच सिरका अंगूर और 3 अदद खुश्क इंजीर। दोस्तों, इंजीर को अच्छे से धोकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। फिर इसमें 5 दाने मुनक्का, 2 चुटकी नमक सियाह और 2 चुटकी मिर्च सियाह पाउडर डालकर रात को भिगो दें, और सुबह निहार मुंह सब चीज़ें सिरका से निकाल कर अच्छे से चबा कर खा लें। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह 10 से 15 दिन में खून की कमी पूरी हो जाएगी, और इसके इस्तेमाल से पेट की गैस, सीने की जलन, भूख की कमी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके इस्तेमाल से चंद ही दिनों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जज़ाकअल्लाह। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।